आज हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की। यूक्रेन के महायुद्ध में पहली बार ब्रिटेन की ताकत नजर आई है। ब्रिटेन अपनी जिस ताकत के लिए जाना जाता है उसकी चर्चा अब व्लादिमीर पुतिन के कैंप में भी शुरू हो गई है। पहली बार व्लादिमीर पुतिन के एक बेहद ही करीबी सहयोगी की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई। ये ऐसा बयान है जो यूक्रेन युद्ध के पूरे नतीजे को बदल सकता है। ब्रिटेन ने आधी दुनिया पर राज किया है। ब्रिटेन की ताकत कभी इतनी बड़ी थी, ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विशाल था कि अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। ऐसा कोई महाद्वीप नहीं था जहां इंसानी आबादी हो और ब्रिटेन का झंडा ना बुलंद हुआ हो। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 78 सालों के बाद, लंबे अरसे के बाद, ब्रिटेन ने अपनी पावर यानी ताकत दुनिया को दिखाई है। ब्रिटेन ने एक बार फिर यूक्रेन में अपनी वॉर टेक्नोलॉजी का डंका बजवा दिया है। ब्रिटेन ने वैसे तो हर तरह की मदद ज़ेलेंस्की को दी है, यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग देने में भी ब्रिटेन की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यूरोप के अंदर ज़ेलेंस्की के समर्थन में माहौल बनाने में भी ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल रहा है। यूरोप में पुतिन को अलग थलग करने में भी ब्रिटेन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ब्रिटेन ने टैंक, तो गोले, मिसाइलें, सब कुछ ज़ेलेंस्की को सप्लाई किए हैं। लेकिन ब्रिटेन की ताकत की गर्मी पुतिन को अब जाकर महसूस हुई है। ब्रिटेन की विश्वविख्यात स्ट्रॉम शेडो मिसाइल ने रूस पर जो कहर बरसाया है उसका रिजल्ट आना अब शुरू हो गया है। रूस की सेना की तबाही के रुझान आने लगे हैं। एक बहुत बड़ा बयान आया है पुतिन के खास सेनापति की तरफ से, जिसने स्ट्रॉम शेडो को अमेरिका के द्वारा सप्लाई किए गए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाई मास से भी ज्यादा घातक बताया है। आखिर क्या है ये बयान जिसने पूरी दुनिया के अखबारों में सुर्खियां बटोरी हैं, और कैसे स्ट्रॉम शेडो ने रूस की आर्मी को मुश्किल में डाल दिया है? आखिर क्या खूबी है स्ट्रॉम शेडो मिसाइल की? सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे पुतिन के करीबी सहयोगी के खतरनाक अनुभव से, जिसने रूस की फौज को दहला दिया है। रूस ने पहली बार स्वीकार किया है कि ब्रिटेन के द्वारा सप्लाई की गई स्ट्रॉन्ग शेडो मिसाइल व्लादिमीर पुतिन की सेना के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है। इसकी पुष्टि येवगेनी पलित्स्की के बयान से हो रही है। येवगेनी पलित्स्की को मॉस्को की तरफ से यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या क्षेत्र के प्रमुख येवगेनी पलित्स्की ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग शेडो हथियार परेशानी पैदा कर रहा है और क्रेमलिन की सेनाओं के लिए अमेरिका के हाईमार्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। पलित्स्की ने आगे कहा कि यूक्रेन की सेना निश्चित रूप से हमें अपनी मिसाइलों से परेशान करने में कामयाब हुई है, खास तौर पर स्ट्रॉन्ग शेडो मिसाइल। ये बयान साबित कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग शेडो मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक में भी इस मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। पुतिन के बेहद करीबी रहे इस सेनापति ने कहा है, जब हाई मार्स रूस पर कहर बरपाना शुरू किया था तब भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे रूस की सेना ने हाईमार्स को काबू कर लिया और हाईमार्स का तोड़ निकालकर उसको बेकार साबित कर दिया। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग शेडो मिसाइल नई मुसीबत बन गई है। येवगेनी पलित्स्की की बात को काफी भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि सितंबर में पलित्स्की पुतिन के साथ देखे भी गए थे। पलित्स्की पुतिन की टीम के खास लोगों में शामिल है। पलित्स्की ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस उम्दा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग शेडो को मार गिराने की संभावना सिर्फ 50% ही है। कई बार रूस का एयर डिफेंस 4 स्ट्रॉन्ग शेडो में से एक ही मार सका है, और 3 मिसाइलें रूस के लक्ष्य पर हमला करने में कामयाब हो गईं।
यहाँ वो बातें भी नोट करना जरूरी है जिनकी वजह से स्टॉर्म शैडो मिसाइल को हिट कर पाना रूस के एयर डिफेंस के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। बालित्स्की ने बताया कि स्टॉर्म शैडो अत्याधुनिक मिसाइल है। स्टॉर्म शैडो की स्पीड काफी ज्यादा है। स्टॉर्म शैडो एक ही हमले में अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग स्पीड से जा सकती है। स्टॉर्म शैडो को कम ऊंचाई पर मार गिराना मुश्किल है। पिछले दिनों ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस के एक बड़े जनरल का खात्मा कर दिया। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव को जान से मार डाला है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव ज़ापोरिज़्या इलाके में एक रूसी बंकर में मौजूद थे। इसकी खबर यूक्रेन के खुफिया यूनिट ने यूक्रेनी एयरफोर्स को पहुंचा दी, जिसके बाद यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बंकर पर हमला किया। दावा किया गया है कि जैसे ही स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने धमाके के साथ बंकर को उड़ाया, उसी वक्त उसकी चपेट में रूसी मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव आ गए और मारे गए। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव के मारे जाने से ज़ापोरिज़्या इलाके में रूसी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की टारगेट किलिंग का सबसे ताजा शिकार रूस के मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव हुए हैं। स्टॉर्म शैडो से मारे गए 52 साल के मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव के बारे में दावा किया गया है कि वो रूसी सेना में 35वीं संयुक्त सशस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जो दक्षिणी ज़ापोरिज़्या के वेलिकाया नोवोसेल्का गांव से यूक्रेन पर हमला करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करके उन्हें मार डाला। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक अब तक जंग में रूस के जनरल रैंक के 11 अफसर यूक्रेनी हमलों में मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब एक हफ्ते पहले स्टॉर्म शैडो ने क्राइमिया के पास अरब स्पेट पर हेनिचेस्क के पास एक रूसी सैन्य मुख्यालय को भी हिट किया था। पुतिन की टीम के एक प्रमुख सदस्य 54 साल के डिप्टी पीएम डेनिस मंटरोव हमले में कुछ समय पहले ही रूस के सैन्य मुख्यालय से बाहर निकले थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, नहीं तो रूस का डिप्टी पीएम ही स्टॉर्म शैडो का शिकार हो जाता। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के डिप्टी पीएम के जाने के कुछ मिनट बाद ही क्राइमिया के रूस के सैन्य मुख्यालय में स्टॉर्म शैडो मिसाइल हिट हुई, जिसमें कई रूस के अधिकारी मारे गए। स्टॉर्म शैडो ने आजोव सागर पर कब्जा किए गए बंदरगाह बर्डियांस्क पर भी सफल हमला किया है। रूस के कब्जे वाले डॉनबास में लुहांस को टारगेट करके भी मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। साल 2003 में इराक पर आक्रमण के दौरान भी ब्रिटेन की सेना ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने ISIS के खिलाफ भी स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ज़ेलेंस्की की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। And I'm pleased that today we have agreed that we will expand our training program, a program that has trained 10,000 troops in the last 6 months alone, to your Marines and fighter jet pilots, ensuring the armed forces of Ukraine are able to defend their country for generations to come. We must arm Ukraine in the short term, but we must bolster Ukraine for the long term. Your country cannot be left vulnerable to attack ever again. पुतिन के लिए अभी और बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि अभी ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को जो स्ट्रॉन्ग शैडो मिसाइल सप्लाई की है वो सिर्फ 250 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है। लेकिन अब ब्रिटेन लंबी दूरी की स्ट्रॉन्ग शैडो मिसाइल देने पर भी विचार कर रहा है। ब्रिटेन इसलिए भी यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग शैडो लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि जंग में रूस यूक्रेन के खिलाफ ब्रूट फोर्स टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। स्ट्रॉन्ग शैडो एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है और फायर एंड फॉगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार दागने के बाद स्ट्रॉन्ग शैडो अपने टारगेट को तबाह करने के बाद ही रुकती है। इस मिसाइल को फ्रांस और ब्रिटेन की रक्षा कंपनियों ने मिलकर विकसित किया। आइए अब आपको ये बता दें कि आखिर यूक्रेन को मिलने वाली इस घातक मिसाइल के बारे में सुनकर ही पुतिन के फौज के हौसले क्यों पस्त हो रहे हैं। स्टॉर्म शैडो को स्कैल्प मिसाइल भी कहा जाता है। स्टॉर्म शैडो एक एयर लॉन्च्ड मिसाइल है
स्टॉर्म शैडो 560 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। इसका कुल वजन 1300 किलोग्राम है और ये 450 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी लंबाई 16 फीट 9 इंच और डायामीटर 19 इंच होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आइए अब आपको ये भी बता देंगे स्टॉर्म शैडो का नाम सुनते ही दुश्मन खेमा क्यों कांपने लगता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल जीपीएस सिस्टम से लैस है और अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। एक बार फाइटर जेट से लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल खुद ही अपने टारगेट को ढूंढ लेती है। स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से ये मिसाइल दुश्मन के रेडार को आसानी से चकमा दे सकती है। इस मिसाइल को जमीन पर बड़े ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने में अचूक माना जाता है। कुल मिलाकर सारांश ये है कि पुतिन इस युद्ध को जितना आसान समझ रहे थे उतना आसान ये युद्ध नहीं रहा। अगर ब्रिटेन ने और ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल ज़ेलेंस्की को सप्लाई कर दी तो मॉस्को भी खतरे में आ जाएगा और फिर पुतिन के लिए ये जंग और ज्यादा कठिन बन जाएगी।